الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمداً لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

और जो दूसरी दलील दलील अकली है वो सामीन कराम की ख़िदमत में पेश की जा रही थी और ये बताया गया मौजुत सामीन की ख़िदमत में कि ये जो दलील अकली जिसको हम बयान कर रहे हैं इसको दो अंदाज से बयान किया गया है अंदाज बयाँ अगर देखे तो दो तरीक़े बयान करने के हमें किताबों में मिलते हैं और एक तरीक़ा जिससे इस दलील अकली का बयान हम देख सकते हैं एक तरीक़ा जो बयान हुआ है किताबों में वो पेश किया गया और आज हम ये दूसरी जो दलील अकली पेश की जा रही है इसका दूसरा तरीक़ा और दूसरा बयान जो है एक दूसरे अंदाज़ से जो बयान पेश किया गया है किताबों में उसको अपने मौजत सामीन की खिदमत में बयान करते हैं कि फ़र्ज़ ये करना था कि अगर वाहदानियत न हो तो माज़ल्ला तोद न हो तो अल्लाह ताला एक से ज़्यादा हैं यानि कोई और माज़ल्ला मज़ल्ला कोई और शरीक होगा खुदा के साथ बस अल्लाह ताली की जात के अलावा कोई दूसरा जो अल्लाह ताला का मज़ल्ला अगर उस जैसा हो उसकी मानंद हो उसका शरीक हो माज़ल्ला तो वो दोनों एक जैसे होंगे तो वो अगर दो हों तो फ़र्ज़ यह है कि अगर दो हों तो फिर एक नुक़े इश्तराक चाहिए कुछ ऐसा मुश्तरक नुकता कि जिसकी वजह से वो दोनों एक जैसे हैं यकसा हैं एक दूसरे के मुशाबे हैं एक दूसरे की मिसल हैं और यकीनन दूसरा नुकता भी चाहिए कि जो माबहल इम्तियाज हो और नुकते इश्राक़ कि जिस नुकते की बिना पर फ़र्क़ किया जा सके मुफ्तरिक हों दोनों एक दूसरे से अलग अलग पहचाने जाएँ इस वजह से वो नुकतः इम्तियाज़ होना चाहिए जो दोनों में मखसूस होगा दूसरे में नहीं पाया जाएगा और नुक़ः इश्तराक या मुशतरक चीज़ वो है कि जो दोनों के अंदर पाई जाएगी जिसकी वजह से वजह से एक दूसरे की मिसल हैं एक दूसरे की शबी हैं एक दूसरे जैसे हैं तो अब आ, वो दूसरा अंदाज़ जो पेश किया गया है या दूसरा तरीक़ा जो बयान का है किताबों में मिलता है दलील अकलीके एक और बयान एक और अंदाज बयान वो आपके सामने पेश करता हूँ अजीज़ आने गिरामी के जब ये आ, मा बहल इम्तियाज के जरिए ही दो चीजों को तशीस दिया जा सकता है वो दो अलग अलग समझी जा सकती हैं दो अलग अलग इजारक की जा सकती हैं कि ये दो हैं तो अब वो मा बहल इम्तियाज जो वो नुकतः इम्तियाज जिसके ज़रिए दोनों मुमताज़ हो जाते हैं एक दूसरे से अलग अलग और एक दूसरे से पहचाना जाता है कि ये वो नहीं है उससे फ़र्क करता है ये और है और वो दूसरा ये नहीं है बल्कि एक मा बहल इम्तियाज़ और नुक़ः अफराक की वजह से कुछ फ़र्क़ की वजह से वो फ़र्क़ का नुक़ँ क्या है जिसकी बिना पर वो अलग इससेदा पहचाना जाता है लिहाजा वो मा बहिल इम्तियाज या न्तियाज या नुतः अफराक़ जो चाहें कह लें अजीज़ ग्रामी ये नुक़ इम्तियाज़ और नुक़ा इतराक के बारे में हम सवाल करते हैं कि ये नुक़ अफराक जिसके ज़रिए हम दो वाजिबल वजूद को अलग अलग पहचान सकें अगर दो हों तो अगर माजल्ला दो हैं तो यकीन कोई माबल अक़ है माबहल इम्तियाज़ है जिससे दोनों अलग अलग पहचाने जा रहे हैं और दो होना उनका समझ में आ रहा है इदराक हो रहा है मसला तो वो माबहिल इम्तियाज़ जो होता है उस माबहिल इम्तियाज़ के बारे में हम सवाल करेंगे कि वो माबहिल इम्तियाज ख़ुद क्या है वो खुद मुमकिन वजूद है और उस मुमकिन वजूद शय जो माबहिल इम्तियाज़ है उसके जरिए माबहिल इम्तियाज़ और नुक़ इम्तियाज के ज़रिए हम दोनों चीज़ों को अलग अलग पहचान रहे हैं लिहाज़ा वो मा बहिल इम्तियाज़ या मा बहिल अफराक वो नुक्त ए इक़ वो माना जो जिसकी वजह से एक दूसरे में फ़र्क समझ में आ सकता है या एक को दूसरे से अलग करके करकेदा दोनों को अलग अलग समझा जा सकता है वो अगर मुमकिन वजूद है एक फ़र्ज़ यह है कि भाई वो नुक़ः अफराक़ क्या है जिसकी वजह से हम दोनों में फ़र्क करेंगे और पहचानेंगे दोनों अलग अलग मुमताज़ हो सकेंगे वो नुतः अफराक़ या मा इम्तियाज वो ख़ुद मुमकिन वजूद है वो मा इम्तियाज एक फ़र्ज़ यह है या दूसरा फ़र्ज़ यह कि नहीं वो मा बहिलम्तियाज़ ख़ ख़ुद भी क्या है वाजिबल वजूद है वो इम्तियाज भी जो दोनों को अलग अलग करता है जिसकी वजह से हम दोनों को अलग अलग उस इम्तियाज़ के ज़रिए समझ सकते हैं फ़र्क कर सकते हैं दोनों में वो वो नुक़ःम वजूद है दो ही फ़र्ज हैं कि वो वो खुद उसके बारे में सवाल करते हैं हम उस नुकते के बारे में उस जो इख्तलाफ का नुकता है जिसकी वजह से दोनों मुख्तलिफ होंगे अलग अलग पहचाने जाएंगे माबहल इम्तियाज़ वो खुद या मुमकिन वजूद होगा या वो खुद वाजबल वजूद होगा अब ये दोनों फ़र्ज की बुनियाद पर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर वो नुकता ये फ़र्ज़ किया जाए तीसरी तो कोई सूरत नहीं है क्योंकि वजूद तो इन्हीं दो चीज़ों में तकसीम होता है पस वो नुकतः माँ बहिल इम्तियाज़ जो वजूद रखता है और जो दोनों को अलग अलग करता है और दोनों मुमताज़ होते हैं एक दूसरे से पहचाने जाते हैं फ़र्ज़ करें जब भी दो हों कोई भी तो ऐसा ही होना चाहिए तो अजीज़ा ने ग्रामी अगर वो नुक़ इम्तियाज़ खुद अगर उसके बारे में हम सवाल करें तो अगर जवाब यह है कि वो खुद उसका वजूद कैसा है अगर वो मुमकिन वजूद है तो अजीजा निगरामी यहां ये फर्ज बातिल है दुरुस्त नहीं है हो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता ये इस वजह से नहीं हो सकता कि क्योंकि ये माबहल इम्तियाज जो है ये नुकतः इम्तियाज या नुते इफ्तराक दोनों के अंदर फर्क करने का नुकता वो पॉइंट वो मतलब वो चीज़ जिसके ज़रिए दो चीज़ें अलग अलग हो सकें अगर वो मुमकिन वजूद है तो फिर ये दोनों वाजिबल वजूद इसमें एक जो वजह है कि क्यों बातें ये तो नहीं हो सकता ठीक नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है अजीज़ा निगरामी वजह एक वजह यह है कि ये फ़र्श की सूरत में दोनों वाजिबलूद मोहताज हो जाएंगे माबहल इम्तियाज़ के माबहल इम्तियाज़ के महताज हो जाएंगे और वाजबुल वजूद बेज़ाते ही नहीं रहेंगे जब अपने इम्तियाज़ के लिए मुमताज़ होने के लिए अपनी शनाख्त के लिए और पहचाने जाएँ अलग अलग वाज हों अलग अलग बस वो न्याजमंद हैं महताज हैं इस नुक्ते की तरफ इस पॉइंट की तरफ पॉइंट ऑफ डिफ़्रंसिएशन वो पॉइंट वो नुकते इम्तियाज़ जिससे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें दोनों को अलग अलग फ़र्क करके जुदा जुदा हम देख सकें मुमताज़ कर सकें तो अज़ीज़ा ने ग्रामी देखिए बस यहाँ लाजिम क्या आएगा इस फ़र्ज़ अगर ये हम सपोज़ करें और ये फ़र्ज़ लें तो ये फ़र्ज़ बातें हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि फिर वाजिबलूद वाजिबुल वजूद ही नहीं रहें क्योंकि वाजिब अवजूद तो कहते उसे हैं डेफीनीशन ये है कि जो किसी का मोहताज किसी भी एतबार से ना हो उसमें कोई भी एहतियाज न पाई जाए लेकिन ये फ़र्ज़ करें तो यहाँ पर एहतियाज लाजिम आती है कि वाजबल वजूद महताज हो जाए मुमकिन वजूद का और ये महताज जो हो जाए वो वाजिब वजूद ही नहीं रहेगा वो तो वो ज़ात है जो वो तो वो वजूद है जो मुमकिन वजूद मौजूद हैं वाजबल वजूद जो मौजूद है वो बेनियाज़ वजूद है किसी भी किस्म की एहतियाज नहीं रखता लिहाजा ये फ़र्ज़ ठीक नहीं है फ़र्ज के ठीक ना होने की एक ये वजह और दूसरी वजह अजीज़ा ग्रामी तो फरमाइएगा बहुत दिक्कत कीजिएगा ताकि ये बात वाज हो सके कि दो वजूहत की बिना पर यह फ़र्ज़ बातिल है हो नहीं सकता ऐसा बिल्कुल मुहाल है ये क्या ये दूसरा सबब और दूसरी वजह इसके इस फ़र्ज़ के बादल और ग़लत होने की और इसके सही ना होने की ये मुहाल है ऐसा होना कि नुक़ इम्तियाज़ दो वाजिब के दरमियान अगर मुमकिन वजूद हो तो आजीज़ आने गिरामी इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब तो ये हो गया कि वाजबल के दो मौजूद क्योंकि ये मुमकिन वजूद कहीं से आया मुमकिन वजूद की डेफीनीशन आपके अजहान में मौजूद है और वो क्या है उसकी खसूसियात में से एक यह है कि वो अपने वजूद में आने के लिए गैर का मोहताज होता है लिहाजा होता नहीं मदूम होता है फिर अदम से वजूद में आता है नहीं था फिर हो गया मदूम था मौजूद हो गया नस्ती से हस्ती में आया है और वजूद की वादी में मुल्व होके वजूद उसने पाया है कहीं से कहीं से उसका वजूद आया है नहीं था तो अजीज़ा ग्रामी जब उसका वजूद आएगा तो इसके वजूद के आने से पहले अजीज़ा ग्रामी के मरहले में मरहल ज़ात में हम कहते हैं कि वजूद अगर दो हों मौजूद दो मौजूद वाजब ववजूद हों तो ये मुमकिन वजूद जो बाद में आया और फ़र्ज़ ये किया गया है कि वो नुक़ इम्तियाज़ है दोनों के दरमियान जिसके ज़रिए दोनों अलग अलग मुमताज़ हो सकते हैं पहचाने जा सकते हैं तो ये वजूद का मरहला है जब मुमकिन वजूद वजूद में आ जाए लेकिन मुमकिन वजूद के वजूद में आने से पहले जहाँ ज़ात के मरहले के अतबार से ज़ात वाजिबल वजूद के अतबार से हम मुलाहज़ा करें तो उस के मकाम में उस जात के स्टेज में जब हम अक़ल को बरकार कार लाएँ और अकल इस जाविये से जब जात की शनाख्त चाहे ज़ात को पहचानना चाहे जाती की जो बात हो रही है तो वजूद के मरहले से हट कर ज़ात के मरहले में अजीज़ा नगरामी जाती के एतबार से अजीज़ा नगरामी मुमकिन वजूद तो बाद में आएगा लेकिन मुमकिन वजूद जो मदूम था फिर मौजूद हुआ लेकिन बस ज़ात के मकाम में और ज़ात के मरहले में और उस जाव्य से जब हम ज़ात की शनाख्त करना चाहते हैं और दो ज़ात है अगर वाजिबल वजूद की तो उस मरहले में वो जुदा जुदा नहीं हो सकते काबिल शनाख्त दो नहीं हो सकते जब वो दो चीज़ जो किसी भी तरीके से काबिल शनाख्त न हो दो ना हो दो होने का इम्तियाज़ ही ना हो तो वह दो ही नहीं है उनमें दोईत नहीं है फिर वहाँ यकता एक ज़ात है एक ही जात है इसलिए कि वो अलग अलग पहचानी नहीं जा सकती वो दो नहीं हो सकती दोयत तो उसमें नहीं हो सकती बस ज़ात के मरहले के बाद अजीज़ा नगरामी ये फर्श मुमकिन वजूद का आएगा और हम जाती की जब बात करते हैं और उस जात के मरहले में उस जात के एतबार से जब हम देखना चाहते हैं तो वो ज़ात वो दो हों वाजिबल की ज़ात वो दो हमें समझ में नहीं आ सकती बस पता चला यहीं से कि वो दो है नहीं इसलिए कि अलग अलग दो का इम्तियाज़ हो ही नहीं सकता वो दो अलग अलग मुमताज़ हो ही नहीं सकती जब कोई नुक्ते इम्तियाज़ मुमकिन वजूद की सूरत में नहीं हो सकता जात के मरहले में जात में वो एक ही ज़ात है वाह दहू ला शरीक है उसका कोई शरीक नहीं और उस जात का जो वाजिब अवजूद बेजाती है उस जैसा कोई ानी उस जैसा कोई दूसरा परवरदगार नहीं है अल्लाह एक है और कोई दूसरा अल्लाह नहीं है खुदा फ़कत व फ़कत तनहा वो यकता पर वर्दगार है अजीज़ा करामी ये एक मरहला दलील का मुकम्मल हुआ लिहाजा इस एतबार से हमने यहाँ तक बहस को पहुँचाया है और अगले मरहल में हम इन इस गुफगू को इस बहस को इस दलील को दलील अखरी का वो बयान ये दूसरा बयान जो किताबों में हमें मिलता है उसके एक पार्ट को और एक हिस्से को हमने सामीण कराम की खिदमत में मुंतकिल किया है और अब इस दलील को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इन जो मतलब है जहाँ हम छोड़ रहे हैं वहीं से इन अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट प्रोग्राम में गुतगु का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ये दलील कामिल और मुकम्मल अंदाज से सामीण कराम के सामने पेश हो जाएगा जीज़ा करामी وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين لنا ذنوبنا